बाद में अबू बकर वगैरह उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने बोला एक रोमियो के बारे में, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया जो सूरा में है, कुरान में है, एक भविष्यवाणी किया जो बहुत बेहुदा भविष्यवाणी है, अगर आप देखोगे हंसोगे, कि इतने सालों में यहू रोमियो जो है वो जीतेंगे, वो लोग हारे जाएंगे जो हार गए थे उस समय में, पर वो लोग जीतेंगे, ऑब्वियसली जीतेंगे, रोमियो ऑब्वियसली जीतेंगे। और अबू बकर ने किसी और के साथ एक क्या बोलते हैं, एक बेट लगाया, शर्त लगाया, और शर्त था 1000 कैमल, और अबू बकर ने वो सारे कैमल्स जो है, ऊंट जो है, बाकियों में बांट दिए। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी पूरा हो गया, उन्होंने कहा देखो ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। क्या भविष्यवाणी था? कुछ सालों में रोमियो फिर से ऊपर आएगा, आ गया ऊपर, वो भविष्यवाणी है, समझ में आ रहा है? तो सारे मुसलमानों का पूरा ये खिल गया, क्यों? क्योंकि वो युद्ध वो लोग हार गए और मोहम्मद मर गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट 1948 तक कितने प्रोफेसीज फुलफिल हुए? 3268 3268 प्रोफेसीज बाइबल के पूरे हुए 1948 तक, और कुरान के, और कुरान 22। एक मनुष्य के जीवन में और परमेश्वर के पूरे भविष्यवाणी, और अभी तक जो फुलफिल हो रहा है, जो हो रहा है अभी तक और आने के दिनों पर होने वाला है 3140। और बाइबल में कोई क्यों यकीन नहीं करेगा? सिर्फ एक युद्ध जीतने के वजह से वो लोग बोल रहे कि परमेश्वर अपने साथ है? हमारे बाइबल में देखो इतने भविष्यवाणी है, इतना सामना नहीं कर सकते वो लोग। लिखो ये, क्योंकि आप यही आपके लिए पूरा ये बन जाता है पॉजिटिव जब आप प्रचार करें। अभी बीच में एक वीडियो आया था जिसमें दिखा रहे थे कि वो ईरान ये सब साइड में जहाँ पे सब मुस्लिम, पूरा मुस्लिम सिटी है, वहाँ पे उन लोग पूरी तरीके से अपना ईमान छोड़कर, मतलब पूरा उन लोग का मुसलमान का धर्म छोड़कर उन लोग ईसाई बन रहे या मसीह में आ रहे, क्योंकि उन लोग उग गए हैं, उन लोगों ने जैसे देखा मार काट और इतना आपस में इतना लड़ रहे हैं आईसिस के वजह से, मेन उन लोग अपना सब धर्म छोड़ छोड़ के विश्वास में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ब्यूटीफुल ना बाइबल। आप डिस्प्रूव कैसे कर सकते हो बाइबल को कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है? तो जानते हो इस चीज का पावर क्या है, इसका सामर्थ्य क्या है? देखो दुनिया का कोई किताब ऐसा बना नहीं है जो एक भी भविष्यवाणी ढंग से करे। और देखो हमेशा जब भी आप न्यूज पे देखते हो ना, वो लोग एक ही चीज कहते हैं, ये जो हुआ ये बहुत साल पहले इसने भविष्यवाणी किया कि ऐसे होगा, घटने के बाद बोलने वाले क्या भविष्यवाणी है? हमारे परमेश्वर को देखो, मैं ही परमेश्वर हूँ, एकलौता परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे जैसे मेरे जैसा कोई नहीं है जो अंत को आदि से बताता है। आमीन। आमीन। नेक्स्ट, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मत लिखो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। सूरा 2:23-24 में इंग्लिश में पढ़ूंगा, ओके, हिंदी में समझने की कोशिश करो। एंड इफ यू आर इन डाउट एज टू व्हाट वी हैव रिवील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू आवर सर्वेंट, देन प्रोड्यूस अ सूरा लाइक देयर अनटू एंड कॉल यू विटनेसेस और हेल्पर इफ देयर बी एनी बिसाइड्स अल्लाह, इफ योर डाउट्स आर ट्रू, ओके, इफ योर डाउट्स आर ट्रू, बट इफ यू कैन नॉट एंड ऑफ अ श्योरिटी यू कैन नॉट, then fear the hell whose fuel is men and stones which is prepared for those who reject the faith. मतलब जो विश्वास को छोड़ेंगे उनके लिए नरक है, और वो नरक को आग कौन देता है? वो नरक का आग क्या है? मनुष्य और पत्थर, लिखा है कुरान, क्या है? मनुष्य और पत्थर। पत्थर क्यों, क्या मालूम? क्योंकि अपने बाइबल में ब्रिमस्टोन है। ब्रिमस्टोन क्या कहते हैं हिंदी में? ब्रिमस्टोन, ठीक है। ये लगता है कि
वो बोल रहे हैं कि एक भी चैप्टर आप सूरा के जैसे प्रोवाइड कर दो हमको, हाँ, और आपके पास डाउट्स है वगैरह, तो ये जान लो कि अगर आपने विश्वास को छोड़ दिया, मुसलमानी विश्वास को, आपके लिए नरक है। तो जबरदस्ती और आपके लिए क्या है, नरक है। ये भविष्यवाणी है, इसमें कहा आपको भविष्यवाणी लिख रहा है। साधारण सा स्क्रिप्चर हम बाइबल का लेते हैं, सेम, the son of man shall send forth his angels and they shall gather out of his kingdom all things that offend and them which do iniquity, okay, and shall cast them into the furnace of fire. मतलब अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और बोलेगा कि जो जो दुष्ट काम करते हैं उनको पकड़ के आग में डालो, बस ये भविष्यवाणी हो गया। कहां से आपको भविष्यवाणी लग रहा है? ये मुसलमान कह रहे कि ये भविष्यवाणी है, देखो हमारे कुरान में भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी है, हमारे पास भी है, समझ में आ रहा है? आग में जाना जो दुष्ट काम करते हैं वो कौन सा भविष्यवाणी हो गया? वो तो एक भिखारी को भी पूछो जो रास्ते पे है, वो भी बताएगा। इतना घमंड आप लोग इस पे कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो कोर्ट्स है ये आग के बारे में है, मरने के बाद लोगों को नरक मिलेगा या स्वर्ग। ये हमारे पास है, देखो कितना है, क्या घमंड है कुरान में, क्या है? लोगों को नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा उनकी अच्छाई या बुराई की वजह से, ठीक है? हमारे पास बहुत है, देखो हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ो कि जो दुष्ट काम करते हैं उनका अंत बुरा ही होगा, जो अच्छे काम करते हैं या जो अच्छाई में चलते हैं या जो रास्ते है जो धार्मिक है उनका अंत अच्छा ही होगा। समझ में आ रहा है दोनों में? ये भविष्यवाणी है तुम्हारा, क्या बात है, हमारा तो और ज्यादा है उससे। हम लोग ये भविष्यवाणी गिन भी नहीं रहे यार, हमारे भविष्यवाणी में ये आता भी नहीं है, 3,000-6,000 जो भविष्यवाणी है ना उसमें ये आता भी नहीं है। साधारण वर्सेस जो तुम्हारे तुमने लिया ना, नॉर्मल वर्सेस, वही हम ले रहे, फिर हम तो और बढ़ जाएंगे, फिर 9,000 हो जाएगा हमारा, 570, 570, 570, ठीक है? We took the covenant of the children of Israel and sent them apostles, okay? Every time they came to them an apostle, with what they themselves desired not, for some of these they called imposters, or some they go so far as to slay. मतलब हमने उनके पास प्रेरितों को भेजा और उन्होंने उनको मार डाला, हमने उनके पास शिष्य या क्या मैसेंजर्स भेजे, और क्या बोलते हैं उनको, संदेश पहुंचाने वाले भेजे, पर उन्होंने उनके साथ बुरा सुलह किया और मार दिया। आपको ये तो हिस्ट्री दिखा रहा है, मतलब तुमने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। हमारे पास भी है, देखो ये भविष्यवाणी है, क्या दिख रहा है भविष्यवाणी, जो तुमने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। इतना अक्कल में नहीं आ रहा, डाला मतलब हिस्ट्री है, ये है कुरान, ये है बाइबल, सच में मैं बोल रहा हूं। दूसरा रिलीजन जो पूरा दुनिया भर फैल रहा है वो है मुसलमानों का रिलीजन, इनको एक बार यहाँ पर बिठा कर ये सिखाओ, वो लोग खुद हिल जाएंगे। हाँ, कभी सोचा नहीं, प्रोफेसी सिखा दो उनको, वो लोग हिल जाएंगे। सूरह 15:9, we have without doubt sent down the message and we will surely assuredly guard it from corruption. मतलब अल्लाह, जब भी अल्लाह के बारे में कहते हैं वो थर्ड पर्सन में कहते हैं, थर्ड पर्सन में बात करते हैं। आई वंडर भाई, अल्लाह एक है ना, तुम्हारा परमेश्वर पर जो बैठा है वो एक ही है ना अल्लाह, तो वी क्यों कह रहे हो, हमने भेजा, हमने, तो जब अरबिक में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं वो कहते हैं आपने भेजा, आपने खुद किया, आप वो उस इज्जत से बोलते हैं, इसलिए दी ट्रांसलेशन उन्होंने वैसे कर दिया। समझ में आया? तो वी हैव सेंड देम द मैसेज, वी विल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन, मतलब जो मैंने कहा वो होगा ही होगा और उसको करप्शन भ्रष्ट होने से बचा लेंगे, ठीक है? हमारे पास भी ये भविष्यवाणी है आपका, पर मेरे वचन जो है कभी टलेगा नहीं, स्वर्ग और धरती भले ही टल जाए पर मेरा वचन नहीं टलेगा। ये भविष्यवाणी आपका, क्या कारण
हमारे भविष्यवाणी जो कुछ ही भविष्यवाणी में ये बोलूंगा जो फुलफिल हुआ यीशु के जीवन में, अब्राहम और सारा के डिसेंडेंट मतलब उनके ही वंशज से आने वाला है, आइज़ाक यशा का डिसेंडेंट, ये लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, जूडा का डिसेंडेंट मतलब ठीक है, देखो अब्राहम का एक और बेटा था इश्माइल के द्वारा भी आ सकता, तो ये खत्म, ठीक है। आइज़ाक का कितने बेटे थे, दो, ईसा और जेकब, फिर भी जूडा से आना उनको जरूरी था, तो जेकब के कितने बच्चे थे, यूसुफ से आ सकता था, बेंजामिन से आ सकता था, किधर से भी आ सकता था, लेवी से आ सकता था, पर आना था किधर, तो मतलब अब्राहम से इश्माइल को छोड़कर, हाँ, आइज़ाक से फिर याकूब से जूडा, समझ में आ रहा है कितना मुश्किल है ये सब पहले से बताना, ठीक है। डिसेंडेंट ऑफ डेविड मतलब दाऊद के वंशज से, समझ में आ रहा है। उसके बाद उसका जन्म कहां पर होगा, बेतलहम में, कोई सोच भी नहीं सकता कि बेतलहम शहर में राजा है या मसीहा है, कोई सोच भी नहीं सकता, इतना छोटा शहर है। ओ दाऊद लिटिल ऑफ बेतलहम, व्हेन डिड यू थिंक, मीका 5:1-5:2, ठीक है। वर्जिन बॉर्न मतलब एक कुंवारी से जन्मेगा, कितने जन कुंवारी से जन्मे हैं वो बताओ, पॉसिबिलिटी है, और यीशु हुआ, ठीक है। और इजिप्ट में भागना, किसी यहूदी को इजिप्ट में जाना ना आसान बात नहीं था, क्योंकि उनको पता था मिस्र देश से वो लोग बाहर आए थे, और यीशु मसीह कहाँ गए, मिस्र देश में, जब वो छोटे बच्चे थे ना, और ये यूसुफ लेकर गए थे, ये फुलफिल्ड है, ये वचन है जहां पर ये सब कुछ हुआ है, ये पुराना नियम है, अब देखो पुराना नियम है और ये सब नए नियम में पूरा हुआ यीशु के द्वारा, इतना आसान। मुश्किल था वो कि एक बंदे के द्वारा ये सब मतलब परफेक्टली अब्राहम के आइज़ाक से जेकब से लेके जूडा से लेके दाऊद से लेके बेतलहम में बॉर्न होना, बेतलहम में बॉर्न होने के बाद एक कुंवारी से जन्मा, और कुंवारी से जन्मने के बाद इजिप्ट में जाना जो यहूदी लोग नहीं करते, हर चीज पूरा हुआ। वाह, क्या है यीशु, यशा में देखेंगे क्या क्या यशा में, सबसे पहले वर्जिन बर्थ, कुंवारी से जन्म लेना, फिर गैलीलियन मिनिस्ट्री मतलब गैलीली में उनका सेवकाई होगा, है ना, फिर हेयर टू द थ्रोन मतलब दाऊद के वारिस, दाऊद के सिंहासन के वारिस, ठीक है, फिर वे प्रिपेयर्ड, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका मार्ग सीधा करेगा, तैयार करेगा, फिर उसके ऊपर थूका जाएगा और उसको मारा जाएगा, ये भी लिखा है, फिर उसको ऊपर किया जाएगा, एग्जॉल्टेड, उसका क्या बोलते हैं, एग्जॉल्टेड, ऊंचा उठाया जाएगा। फिर उसके बाद उसके पूरे डिसफिगर्ड बाय सफरिंग मतलब पूरे शरीर का पता ही नहीं चलेगा ये आदमी है या मांस है, इतना उसके ऊपर छल हुआ। उसके बाद ब्लड अटोनमेंट, वो लहू का प्रायश्चित, ठीक है, सब लोग उसको तुच्छ जानेंगे, उसको त्याग करेंगे मतलब दे विल रिजेक्ट हिम, नकारेंगे यो बुक, फिर उसके बाद वो हमारे पापों को लेगा अपने ऊपर और अपने दुखों को भी लेगा अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सब्स्टिट्यूट बनेगा मतलब हमारे जगह पर वो बंदा वो बनेगा मरेगा। उसके बाद वो खुद से ही बिना कुछ बोले वो खुद से अपने तरफ से ही अपने आप को हमारे लिए हमारे पापों के लिए देगा। वो एक श्रीमंत मनुष्य के कब्र में गाड़ा जाएगा या डाला जाएगा उसका लाश, और उनको बचाएगा जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और वो पापियों के साथ मरेगा, पापियों के बीच में मरेगा, और वो टूटे हृदय को चंगा करेगा। ये देखो ये है उसका फुलफिलमेंट। एग्जैक्ट फुलफिलमेंट, और क्या बोलूं यीशु के बारे में, ये तो सिर्फ यशाया है,
ये तो सिर्फ यशया है, एक ही किताब, पूरा बाइबल का छोड़ दो, एक ही किताब ले ले और एक ही किताब उनके सामने खोल दो और बोलो तुम्हारे भविष्यवाणी दिखाओ और हमारे भविष्य में आम दिखा, पूरा का पूरा वैसे ही जैसे कहा गया। पीपीडी अगर भेजता हूँ ना व्हाट्सएप पे कोई देखता नहीं, नहीं देखते भी है तो भी वो रहता नहीं है, बाद में भी डिलीट हो जाता है, मेरा मोबाइल कितना चेंज हुआ सब इधर उधर हो गया। यहाँ पर खड़े हो बस मेरा लास्ट ही अंदर धोखे ना के स्क्रिप्चर फुलफिलमेंट कैसे लोगी अच्छा नहीं करूँ अच्छा आई नो दीज आर ये प्रोफेसी तो लिख दिया स्क्रिप्चर फुलफिलमेंट अच्छा नहीं करूँ अच्छा समझ में आया यीशु मसीह में ये पूरा पूरी तरीके से फुलफिल हुआ। हाउ ब्यूटीफुल इज यू यार, कैसा है हमारा यीशु ना, उसके बारे में सारे प्रोफेसीज फुलफिल हुए। लिखे एस्तर पढ़ो ये। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा। सब प्राणियों मनुष्य पे नहीं प्राणियों पर वही प्राणियों पे ऑल फ्लैश अच्छा ठीक है अपना आत्मा उंडेल लूंगा। ठीक है आगे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिए स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल लूंगा। क्या करेंगे सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, आत्मा का उंडाले जाना मतलब भविष्यवाणी करना और दर्शन देखना, सरल बात है कि नहीं। आत्मा का आना और उंडाले जाना आपके ऊपर मतलब भविष्यवाणी होना ही होना है। सबसे पहले चीज जो परमेश्वर आपको देते हैं, जब परमेश्वर अपना आत्मा आपको देते हैं, नहीं चलेगा चलेगा आप चलेगा सबसे पहले चीज परमेश्वर अपने आत्मा जब डालता है आपके अंदर, वो भविष्यवाणी का सामर्थ्य आपको देते हैं, जो सामर्थ सिर्फ उन तक सीमित था। सुनो गौर से, जो सामर्थ सिर्फ उन तक सीमित था, किसी भी मूर्ति को किसी भी मनुष्य को नहीं देते थे ऐसे यू ही। उन्होंने कहा जब मेरा आत्मा उनके ऊपर मैं डालूंगा, सबसे पहले चीज उनको भविष्यवाणी दूंगा। यहां पर लिखा है सबसे पहले चीज उनको अन्य भाषा मिलेगा, विश्वास मिलेगा, अगुवाई मिलेगा, चिन्ह चमत्कार मिलेगा, नहीं। परमेश्वर का आत्मा जब आप में आता है सबसे पहले भविष्यवाणी शुरू होता है। एक्स में नहीं हुआ, जैसे परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया उन्होंने भविष्यवाणी शुरू कर दिया। इसके समय में नहीं हुआ, सॉल के सैमुअल के समय में, जब सैमुअल वहां पर था और सब लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, रिमेंबर, एंड सॉल आल्सो गोस एंड सॉल आल्सो स्टार्ट्स भविष्यवाणी, सॉल का भी भविष्यवाणी शुरू हो जाता है जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर है, भविष्यवाणी होता है। यू कैन नॉट स्ट्रगल इन भविष्यवाणी, वो सबसे पहली चीज है पुराने नियम के हिसाब से। जब परमेश्वर ने सबसे पहले बार कहा मैं अपना आत्मा उनको दे दूंगा, उन्होंने कहा भविष्यवाणी भी उनको मिलेगा। जो चीज परमेश्वर का घमंड था, जो चीज परमेश्वर को महिमा दिलाता था, वो चीज परमेश्वर ने हमको दिया अपने आत्मा के द्वारा। सबसे पहला चीज ही सेड आई प्रोफेसाइड, आई डिक्लेयर द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, नाउ यू व्हेन आई फिल यू विद माय स्पिरिट यू विल डू इट। पेंटिकोस के दिन पे क्या हुआ? परंतु यह वह बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई, यही बात है पत्रस ने कहा, यही बात है जो योवेल ने कहा। आगे
कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मनुष्य हो गए यहाँ पे, वहां पर क्या था? प्राणी, यहाँ पर मनुष्य। ठीक है, आगे। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुनिया स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को ले लूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करना बेटे बेटियों पर, दास और दासियों पर। बूढ़े सपने क्यों देखेंगे पता है ना? क्योंकि बूढ़ों को नींद कम आ जाती है, लोग सपने देखते हैं। लोग बोलते हैं हमारा जीवन क्या है, क्या सपने देख रहा है, बट ड्रीम ड्रीम्स, मतलब उनका भी फ्यूचर है, बूढ़ों का भी फ्यूचर है। समझ में आ रहा है? उनको क्या अभी एक पैर कब्र में एक पैर बाहर, क्या सोचना, क्या सपना देखना? नहीं, जब मैं अपने आत्मा से उनको भर दूंगा उनका जीवन तब शुरू होता है, उनके भी सपने पूरे होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे दास और दासी जो है वो लोग भविष्यवाणी करेंगे, मतलब ऊंचे पद से लेकर नीचे पद तक, घर के बेटे और बेटियों से लेकर दास और दासी तक भविष्यवाणी करेंगे। मतलब परमेश्वर कितना चाह रहा है कि ये आपको मिले, कि जैसे वो अपने आत्मा को भेजता है वो भविष्यवाणी का भी वरदान भेजता है उसके साथ। हमने इतने खूबसूरत रीति से अन्य भाषा को मान लिया और अपना लिया और उसमें आराम से चलते हैं, पर कभी किसी ने हमें नहीं सिखाया, यकीन इनके साथ आज तक नहीं सिखाया कि जब आत्मा आता है सबसे पहले भविष्यवाणी आता है। किसी ने सिखाया नहीं। हमें पता है अन्य भाषा तो आएगा पर भविष्यवाणी आएगा नहीं। सबसे पहले भविष्यवाणी करना सिखाया जा सकता है। यकीन नहीं है? ओपन क्लोज 31:1 नीति वचन 31:1 नीति वचन 31:1 के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। English. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. The prophecy that his mother taught him. You can teach your children to prophesy. Hi Anna. Amen. Second. भविष्यवाणी जो है आत्मा का काम है। It comes through the work of the Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। भविष्यवाणी का जो आउटपुट है, रिजल्ट है, प्यार है, कंडेमनेशन नहीं, किसी पे दोष लगाना नहीं होता है, किसी से प्यार बांटना होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी करूं पर प्यार ना रखूं तो उसका क्या लाभ? तो भविष्यवाणी प्यार के बिना बेमतलब है, बेमतलब है और कमजोर है, कुछ लाभदायक नहीं। ठीक है, आगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मतलब आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान जो है आप भविष्यवाणी के द्वारा और हाथ रखने के द्वारा किसी के अंदर आप डाल सकते हो, वरदान, आत्मिक वरदान। ठीक है, पहला तिमोथी 4:14 पहला तिमोथी 4:14 आत्मिक वरदान आप भविष्यवाणी के द्वारा और अपने हाथों के द्वारा किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि टंग्स, जैसे कि हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, मिरेकल्स। ठीक है, नेक्स्ट ये वचन प्लीज पढ़ो, श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी, ये वचन पढ़ो, 2 Peter 1:19-21 दूसरा पत्रस 1:19-21 जी को कुछ मिल रहा है? यस,
और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। We have also a most sure word of prophecy. English में समझो। We have also a more sure word of prophecy. मतलब दृढ़ वचन भविष्यवाणी का, ठीक है? Whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place. मतलब इसके अनुसार चलो और जीवन जियो। जैसे एक ज्योति अंधकार में चमकता है, ठीक है? Until the day dawn and the day star arise in your heart. जब तक दिन ना हो, मतलब दिन कब होगा आपके लिए? दिन कब होगा? When the day star arises in your heart. मतलब कब आपको रोशनी मिलेगा? कब आपका दिन होगा? आप ये वचन को पकड़े रहो, जब आपको प्रोफेसी मिलता है ना, वो वचन को पकड़े रहो जब तक आपको उसका छुटकारा नहीं मिलता, उसका मिरेकल नहीं मिलता या उसका घटना नहीं मिलता आपकी परिस्थितियों में। अगर मैंने कहा आपसे कि आपके साथ अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, जब तक वो नहीं मिलता वो प्रोफेसी को पकड़े रहना कि नहीं, ब्रदर ने कहा कि परमेश्वर की तरफ से ये वचन आया, मुझे मालूम है होगा, मुझे मालूम है होगा। जैसे कि एक छोटा सा दिया अंधकार में, फिलहाल तो अंधकार दिख रहा है आपको, पर संभाल के रखना उस दिए को, बुझने ना दे उस दिए को जो आपको वचन मुझसे मिला है या किसी से मिला है। समझ में आ रहा है? संभाल के रखना कि यही आपका दिया है, यही आपका रोशनी है अंधकार में, जब तक सुबह ना हो, जब तक सवेरा ना हो, जब तक वो चीज पूरा ना हो आपकी जिंदगी में। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते। नोइंग दिस फर्स्ट पग है क्या? बंद करो, पग है, बंद करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नोइंग दिस फर्स्ट मतलब ये जानो सबसे पहले, जो अभी कहने वाले वो देखना हमें, तो ये जानो सबसे पहले जो वो कहने वाले, दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर इज ऑफ एनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। मतलब आपके खुद के दिमाग मत लगाओ इसमें, जब भविष्यवाणी आपको दिया जाता है आप खुद का दिमाग मत लगाओ कि ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, ये तो मुमकिन नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है, ठीक है? आपका खुद का दिमाग मत लगाओ। और उसके बाद लिखा है verse 21, for prophecy came not in old by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. मतलब ये भविष्यवाणी जो है मनुष्य के सोच विचार से नहीं आया, पवित्र आत्मा से आया। जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया वैसे हमने बोला है आपको, इसलिए ये पूरा होगा, इसको थामे रखना, इस दिए को बनाए रखना। अंधकार फिलहाल है आपके जीवन में, फिलहाल दिख नहीं रहा है कि ये कैसा मुमकिन होगा, पर उस दिए को संभाल के रखना। पता है ना, वो दिया बुझना नहीं चाहिए जब पूजा कर रहे हैं, हाँ, ताकि वरना वो बंदा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हो मर जाएगा। दिया बुझ गया, अगर आप सच में चाहते कि वो चला जाए तो क्या क्या है सच में, हाँ, तो दिए को बुझने मत देना। समझ में आ रहा है? कब तक? जब तक दिन ना हो, जब तक उजियाला ना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मनुष्य की तरफ से नहीं आया, मनुष्य के सोच विचार से नहीं आया, ये पक्के जो भविष्यवाणियां है ना वो पवित्र आत्मा से आया, जब मनुष्य ने पवित्र आत्मा के द्वारा बोला। समझ में आया? ठीक है, आगे मत्तै 7:22 है ना, ये खोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पायलट है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम में हमें भविष्यवाणी की, वो बोले जाओ मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छे के अनुसार नहीं चल रहे थे। तो स्वर्गीय पिता के इच्छे के अनुसार चलना भविष्यवाणी से श्रेष्ठ है। सब लोग बोलो, स्वर्गीय पिता के इच्छे के अनुसार चलना, स्वर्गीय पिता के इच्छे के अनुसार चलना भविष्यवाणी से श्रेष्ठ है, भविष्यवाणी से श्रेष्ठ है ना। लव इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो है थम जाएगी, अन्य भाषा जो है थम जाएगी, ज्ञान जो है थम जाएगा,
उस पर हम कभी और प्रचार करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इनडेप्थ जाना चाहिए, क्योंकि तीन एग्जाम्पल जो फॉलोस ने दिया वहाँ पे वो तीनों चीज के लिए, भविष्यवाणी, अन्य भाषा और ज्ञान के लिए, ठीक है, ये सब थम जाएंगे, पर रहते सिर्फ तीन चीज, कौन सा? विश्वास, आशा और प्रेम, ये कभी टलता नहीं है। विश्वास हमेशा रिजल्ट्स, व्हाट यू से फॉर रिजल्ट्स, परिणाम, विश्वास हमेशा परिणाम देता है, हमेशा, कभी टलता नहीं है।